नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26, 27 और 28 फरवरी के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन कुल की स्थितियाँ कैसे उद्भूत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन तीन दिनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि और शुभ योगों के बारे में। दोस्तों, 26 फरवरी की बात करें तो शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्र पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और अश्लेषा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो अति गंड नाम के योग के बाद इस दिन शुक्रमान नाम का शुभ योग प्रारंभ होगा। राहु काल का दिन समय रहेगा सुबह के 11:13 से लेकर दोपहर के 12:39 तक। दोस्तों, ये राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार करेंगे। और दोस्तों, 27 फरवरी की बात करें तो शनिवार का दिन रहेगा, अर्थात शनिदेव का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इस दिन तिथि रहेगी और मघा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों, इस दिन जो योग है धृति नामक योग रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों मघा नक्षत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योग होंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस दिन दोस्तों राहु काल का समय रहेगा सुबह के 9:46 से लेकर सुबह के 11:13 तक और चंद्रमा दिन सिंह राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें तो रविवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और पूर्व फाल्गुनी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। तृतीय नामो योग के बाद इस दिन सूर्य नाम का योग रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योग रहने वाले हैं आखिरी दिन में भी। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम के 4:59 से लेकर शाम के 6:25 तक और आखिरी दिन में चंद्रमा सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि में संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों की, ये जो ग्रह नक्षत्रों की तिथि है, तिथि और शुभ योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय व्यापारिक क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, वहीं भवन से संबंधित नए कार्य जो है यश में पूरे हो सकते हैं। नए वस्त्र और आभूषणों से संबंधित खरीदारी यश में जो है हो सकती है। इन दिनों में आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिल सकता है, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में। कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपके हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों में जो है आप महत्वपूर्ण योगदान यश में जो है दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी जो नेगेटिव को लेकर बात करें तो आपको अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहना होगा। हालांकि वह आपका जो है अधिक नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको सावधान रहने में क्या जाता है। फिर भी समय समय पर जो है वे आपको जो है मानसिक रूप से जो है थोड़ा परेशान कर सकते हैं। आपको इन बातों का सिर्फ ध्यान रखना है। आपके कामों में व्यवधान यह उत्पन्न कर सकता है। वह दोस्तों, इन दिनों में आपके काम जो है अपने आप कुछ बनते चले जाएंगे। जिन कामों के लिए आपको जो है काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा था, वे जो है यश में आसानी से पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, आप अपने काम पर पूरे फोकस करते रहें। ये जो समय है, आप कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। सितारों का जो है पूरा फेवर आपको मिल सकता है। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों को थोड़ा संघर्ष भी इसमें करना पड़ सकता है। किसी भी मामले में जो है आपकी थोड़ी अनदेखी मुश्किल खड़ी बन सकती है। दोस्तों, ये जो समय है, आपको लापरवाही से बचना होगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी जो है करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय होंगे आपके करियर के लिए, करियर के मामले में दिन जो है वो तो शुभ रहेगा। बिजनेस में कोई बड़ी सफलता जो आपको यश में मिल सकती है। तो दोस्तों, आप यश में जो है अपने करियर में ध्यान को फोकस बनाए रखें, क्योंकि लाभ के जो है मौके आपको यश में मिलेंगे। आपकी आमदनी में यश में वृद्धि होगा। आप जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के जो है और निकट यश में जो है आ पाएंगे, जिसके कारण समय समय पर आपको उनके कारण जो है लाभ और सुविधाओं की प्राप्ति होगी। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो प्रेम जीवन के लिए काफ़ी सुकून देने वाला सिद्ध होगा यह समय। और दोस्तों, इस दौरान आपके जो रिश्ते हैं उसमें अपनेपन की महक आएगी। आपका जो है पारस्परिक तालमेल और यश में बेहतर होगा। दोस्तों, ये जो समय होंगे आपकी लव लाइफ के लिए, प्रेम विवाह के लिए, जो यश में प्रेम विवाह की इच्छुक है या फिर जो अविवाहित लोग जो प्रेम विवाह में करना चाहते हैं, तो दोस्तों पारिवारिक स्वीकृति यश में आप सभी को मिल सकता है। परिवार से आप बात यश में कर सकते हैं। रोमांस के लिहाज से ये तो दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो सेहत का साथ आपको यश में मिलेगा। आप खुद में एक ऊर्जा का महसूस करेंगे। आप जो है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का इसमें ध्यान रखें। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी भाग्यशाली रंग की बात करें तो भाग्यशाली रंग जो है वह रहेगा नीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। दोस्तों, यह समय अपनाए गए और अधूरे कार्य सरलता से पूरे हो सकेंगे, परंतु दोस्तों दोपहर के बाद जो आपके लिए समय होंगे, आप जो है कुछ अचानक कार्यों के आ जाने से उसमें उलझ सकते हैं और उसे समय पर पूरा करना आपको पड़ सकता है। दोस्तों, यश में गणेश जी का मानना है कि किसी भी कार्य का जो आयोजन है पहले से ही किया जाए तो उस कार्य को जो है आप समय पर पूरा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी जो है वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में जो है दिन की शुरुआत जो है पूरे उत्साह के साथ आप करेंगे। हालांकि जैसा जैसा दिन बढ़ता जाएगा आप काम का जो है बोझ अधिक अपने सर पर लेते जाएंगे। जो काम अभी तक लंबित पड़ा है उन पर आपको जो है पर्याप्त ध्यान देने की यश में जरूरत होगी। आखिरकार अगर आप इस यश कार्य पर ध्यान देंगे तो ये काम भी आप पूरा कर सकते हैं, ये कार्य को पूरा करने में आप सफल होंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन में निराशा मिलने के कारण जो है आपका मूड थोड़ा जो है सुस्त रहेगा या फिर रहने की संभावना है। दोस्तों, यश में सिंगल जातकों को जो है अपना परफेक्ट मैच ढूंढने में मुश्किलें आ सकती है। दोस्तों, इन दिनों में गणेश जी का सलाह है कि ऐसे व्यक्ति से आप बात करें जिससे आप बहुत कम मिले हो। दोस्तों, कमिटेड और मैरिड कपल जो है विचारों में असमानता का अनुभव कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी जो है आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, या समय अगर आप पैसे की कोई भी योजना बनाते हैं तो वह जो नतीजा होगा वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। कहीं से ये जो समय है आश्चर्यजनक रूप से पैसा आएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये पैसा हमको ही मिला है, जिससे दोस्तों आप कोई बड़ा उधार चुकता कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ी जो है मानसिक शांति आपको मिलेगी। आप जो है यह समय आर्थिक मामलों में सोच समझ कर चलें। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। आपको पता है कि पैसे का जो है ठीक ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, आप पूरे दिन जो है दूसरे भाग में समझदारी से सोचेंगे। सेहत संबंधी समस्याओं से बचने के लिए आपको जो है गणेश जी सलाह देते हैं कि आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, जबकि जंक फूड खाने से आपको इन दिनों में बचना चाहिए। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आप जो है बहुत ज़्यादा चिंता न करें, इससे आपका जो मानसिक शांति बर्बाद हो सकता है, इससे आप बचें। क्योंकि दोस्तों, जरा सी चिंता और मानसिक तनाव भी शरीर पर खराब असर डालते हैं। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये जो आपके लिए दिन होंगे आप इसमें पैसे बचाने का प्रयास करेंगे और आपके जो ये पैसे बहुत काम आ सकता है। दोस्तों, इसमें किसी बड़ी मुश्किल से आप निकल सकते हैं। जीवन साथी और बच्चे के अतिरिक्त स्नेह और सहयोग आपको इसमें मिलेगा। जिनकी दोस्तों इसमें सगाई हो चुकी है वे जो है मंगेतर से बहुत सी खुशियाँ पाएंगे। नई योजनाएँ आपके लिए आकर्षक होंगी और अच्छी जो है आमदनी का जरिया इसमें साबित होगा। इन दिनों में बिना किसी को बताए आप जो है अकेले वक्त बिताने के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अकेले होंगे तो शांत नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों आपके दिल में जो है कई चिंताएं रहेंगी। दोस्तों, आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है। उन पर गौर करेंगे तो इस बात को आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें, यदि घर में स्त्री प्रतिदिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए सुख और सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए एक लोटा जल डाल दे तो दोस्तों उसका अपने पति से और उस घर के सभी सदस्यों का आपस में हमेशा प्रेम बना रहता है और उस घर का आर्थिक पक्ष भी हमेशा के लिए मौजूद रहता है। तो दोस्तों, यश में आप इन उपायों को जरूर करें, ये आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं। और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।